नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है शिक्षण, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शिक्षण के बारे में बताया, उसमें मैंने शिक्षण के अर्थ परिभाषा इसके बारे में बताया। इसमें मैं आगे जो आपको बताने जा रही हूँ वो है शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण के प्रकार, यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं यानी प्रत्येक चीज में उसकी विशेषताएं छुपी हुई होती हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि जब हम कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसमें गुण और दोष दोनों ही उसमें पाए जाते हैं। उसकी विशेषताएं होती हैं कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मैं आज आपको शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद में मैं आपको शिक्षण के प्रकार के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है हमारी शिक्षण की विशेषताएं कि शिक्षण में क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण में क्या छुपा होता है, अधिगम की यानी कि शिक्षण करने की, शिक्षण कराने की जो प्रक्रिया है उसी में अधिगम करना छुपाता है कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, यानी शिक्षण में किस तरीके से बच्चे सीखते हैं। कहते हैं ना कि शिक्षण में उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन क्यों आता है, अधिगम के कारण। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण का कि हम किस तरह से शिक्षण करते हैं कि बच्चे में कौन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला है अधिगम में, सहायक शिक्षण, अर्थात हमारा जो शिक्षण होता है वो किसमें सहायक होता है, अधिगम में। और अधिगम हम किसको करवाते हैं, छात्रों को। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे पूरी तरह सीख सके। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा अधिगम में सहायक, अधिगम सिखाने में सहायक, जो भी हम सिखाते हैं उसे बच्चे अच्छे से सीखें। सेकंड है हमारा इसमें सूचना संप्रेषण में सहायक, यानी कि हम कहते हैं कि हम जो सूचना होती है, जो संदेश हम देते हैं, यहाँ हमारा संदेश क्या होता है शिक्षण में, हमारा विषय का कंटेंट, जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है, अर्थात जो हम जिस सूचना को देना चाहते हैं वो सूचना हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। अर्थात शिक्षक जो सूचना देना चाहे वो सूचना हमारी प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी हमारा वो शिक्षण प्रभावी बनेगा। यानी कि जो सूचना हम सोच रहे हैं या कहते हैं कि सूचना तभी महत्वपूर्ण होती है, तभी प्रभावशाली होती है जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचें वैसा ही हम बच्चों को पहुंचाएं। तो सूचना संप्रेषण में भी हमारा शिक्षण सहायक होता है कि हमने किस तरीके से बच्चों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें कौशल क्षमता का विकास, यानी कि हम कहते हैं शिक्षण में कौशल होता है, ये भी एक कला होती है शिक्षण की। तो कला है तो क्या है वो, कौशल, यानी कि हम उस शिक्षण में पारंगता हासिल करते हैं, निपुणता हासिल करते हैं और हम आगे बच्चों को भी जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि उसमें बच्चे निपुणता हासिल करें, उनके कौशल में वृद्धि हो। तो इसमें कहा गया कि कौशल क्षमता का विकास, यानी हम जैसा चाहे बच्चों को अच्छे से, अच्छा जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को वो हम उसको अच्छे से सिखाएं, ये है कौशल क्षमता का विकास। नेक्स्ट है हमारा बेहतर संबंध या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक संबंध का विकास। जो हमारा खुद का समाज से जुड़ा हुआ होता है, समाज से सामाजिक संबंध का विकास। इसमें कहा जाता है कि समाज से, कि जो हमारे कहते हैं ना शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता भी होता है, तो राष्ट्र किससे मिलकर बनता है,
समाज से, और समाज में कौन रहता है? व्यक्ति, यानी समाज बनता है व्यक्तियों से। तो वो व्यक्ति जिसको हम शिक्षण दे रहे हैं तो उसे हमें समाज से संबंधित या समाज के नियम, या कहें कि हम समाज के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो जो हमारे शिक्षण है उसमें हमारे जो समाज संबंधी टॉपिक हैं उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, या समाज के बारे में भी बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति शिक्षक स्वयं एक सामाजिक है। तो जो मनुष्य कुछ सामाजिक प्राणी है, तो हमारा समाज से हमारा जो संबंध है वो बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो इसमें कहता है व्यक्ति यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक सामाजिकता का भी संबंध होना चाहिए, और वो दूसरों से भी उसी संबंध को एक्सेप्ट करे या वो संबंध बनाए सामाजिकता का। तो उसी के लिए कहा जाता है कि जो हमारा शिक्षण है वो हमारा एक सामाजिक संबंध भी स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति। जब हम शिक्षण करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है। हम उस लक्ष्य के बिना, कहते हैं कि हम अगर पढ़ते भी हैं तो क्या हम हमारा बिना विषय बिना टॉपिक के पढ़ते हैं? नहीं, यानी कि हम हमारा कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं। तो वही है कि जब हम पढ़ते हैं, हम शिक्षण करते हैं या शिक्षण करवाते हैं, तो हम हमेशा हमारा खुद का एक उद्देश्य, हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि हमें उसे किस तरह से प्राप्त करना है। तो इसमें बताया गया है कि उद्देश्य की या लक्ष्यों की प्राप्ति भी हमें किसके माध्यम से होती है? शिक्षण के माध्यम से। यानी शिक्षण जब हम पढ़ते हैं, खुद पढ़ाई करेंगे, तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षण उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। एक है इसमें हमारा पॉइंट व्यावसायिक प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया यानी कि हमारी शिक्षा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा भी है ना, हमारा शिक्षण करते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया, पहले भी बताया कि शिक्षण जो है हमारा एक आजीविका का साधन बनती है, और आजीविका का साधन कब बनती है? जब हम उसके बारे में व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं। तो इसी में राजनीतिक शिक्षण, हम कहें कि हम व्यवसाय करते हैं, हम कंप्यूटर से संबंधित अगर हम कोई नॉलेज लेते हैं तो हम कंप्यूटर का क्षेत्र का चयन करते हैं। हम अगर कहें कि एक मूर्तिकार अपने से मूर्ति बनाने का शिक्षण ले रहा है, उससे संबंधित वो किसी चीज़ का शिक्षण ले रहा है, तो वो उसी क्षेत्र में जाएगा। अर्थात हमें जो हम शिक्षण लेते हैं, हम जो शिक्षण करवाते हैं, वो हमारा उसका एक हिस्सा हमारा व्यवसाय भी होता है, कि हम उसे ऐसा बनाएं कि वो हमारे भविष्य में काम आए और वो हमारे आजीविका का साधन बने। तो कहते हैं कि ये एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। इसमें आगे है कौशल क्षमताओं का, जो मैंने आपको बताया था कि कौशल क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन में सहायक। अनुकूलन किससे बिठाते हैं हम? वातावरण से, अर्थात वातावरण से सामंजस्य बिठाना। जब विद्यार्थी अपने परिवार को छोड़ के जिस माहौल से वो विद्यालय में आता है, तो वो विद्यालय के वातावरण से क्या करता है? अनुकूल करता है, अनुकूलन बिठाता है, अर्थात सामंजस्य बिठाता है। तो इससे जो शिक्षण प्रक्रिया में है उसमें हमें शिक्षक हमारे शिक्षार्थी के साथ भी सामंजस्य बिठाते हैं, और शिक्षार्थी हमारे शिक्षक के साथ भी सामंजस्य बिठाते हैं। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि विद्यार्थी को हम क्या करना सिखाते हैं? अनुकूलन। उसमें हम सामंजस्य बिठाना, हमें किस तरीके से क्या व्यवहार करना है कक्षा में सहपाठियों के साथ में, या कहते हैं हम हमारे शिक्षक के साथ में, या शिक्षक का बच्चों के साथ में। तो इसमें कहा गया है कि अनुकूलन में सहायक होता है। ये हमारे सारे पॉइंट थे, यानी कि हमारी ये विशेषता थी कि हमारे शिक्षण में कौन कौन सी विशेषता है। हम कहते हैं सबसे पहले अधिगम में सहायक, कि वो हमारे सीखने में सहायक होते हैं। सेकंड था सूचना संप्रेषण में, यानी कि जो हम सूचना प्रेषित करते हैं, कहते हैं कि शिक्षण वही प्रभावी होगा जिसमें कि हमारी सूचना होगी। नेक्स्ट था हमारा कौशल क्षमता का विकास, यानी कि जो क्रिएटिविटी, हम किस तरह से हमारी जो शिक्षण में होता है, हमारे हर कौशलों का विकास करवाया जाता है हमारे, चाहे वो भाषा कौशल हो, लेखन कौशल हो, हमारा प्रदर्शन कौशल हो, हमारा प्रस्तुतिकरण है, अर्थात इसमें कौशल में हम अपने कौशलों का
प्रस्तुतिकरण किस तरह से करते हैं, बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे, हर कौशलों का हमारा विकास होता है। फिर था इसमें सामाजिक संबंध कि इसमें जो हमारा शिक्षण है वो हमारे सामाजिक संबंधों का भी विकास करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट था इसमें उद्देश्य में लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षण लेते हैं उसमें हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। एक हमारा व्यवसायिक प्रक्रिया कि हम किस तरीके से इस शिक्षा को, इस शिक्षण को हम हमारे व्यवसाय में काम में लेते हैं। नेक्स्ट था इसमें अनुकूलन में सहायक कि जब हमारे टीचर शिक्षण करवाते हैं या कहें कि विद्यार्थी जब आता है शिक्षण में सहायक हो, शिक्षण में जब हम अनुकूल बिठाता है यानी कि उस वातावरण से अपने एक सामंजस्य बिठाता है कि किस तरह से हमें विद्यालय में या कहते हैं हमारे शिक्षकों के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है तो वो हमारे अनुकूलन में सहायक है। एक हम कह सकते हैं इसमें हमारा संबंध किससे, बेहतर संबंधों का निर्णय, बेहतर संबंधों का निर्णय, यानी कि हमें शिक्षण ऐसी चीज होती है जो हमें सही और गलत का फैसला भी सिखाती है। इसके द्वारा हम किस तरह से हमारा व्यवहार, यहाँ व्यवहार की बात आती है, वहाँ हमारा सामाजिक संबंध या हमारा व्यवहार, हमारा जब व्यवहार अच्छा होगा तभी हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो ये जो चीज है बेहतर संबंधों का, यह हमारे व्यवहार पे है कि हमें किस तरह से हमारे व्यवहार स्थापित करना है कि हमारे सामने वाले से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे हो। तो इसमें यही बताइए कि शिक्षण है वो हमें हमारे बेहतर संबंधों का निर्माण भी करना सिखाती है कि हम किस तरीके से उन संबंधों का विकास करते हैं, वो संबंध हम आगे बिठाते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो मैंने बताया आपको हमारे शिक्षण के प्रकार में आप देखेंगे कि शिक्षण के प्रकारों को 6 भागों में विभाजन किया है। शिक्षण के जो प्रकार हैं उनको 6 भागों में इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहला मैंने किया है उद्देश्य के आधार पर, सेकंड है हमारा स्तर के आधार पर, थर्ड है हमारा क्रियाओं के आधार पर यानी कि शिक्षण क्रियाओं के आधार पर, और फोर्थ है हमारा शासन यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे देश में कहते हैं कि हर व्यवस्था किस पर आधारित होती है, शासन पर, यानी कि जिस जैसा शासन होगा वैसा ही हमारा देश होगा। तो इसमें हमारा शासन से मतलब हमारे विद्यालय के शासन से है। नेक्स्ट हमारा इसमें था हमारी शिक्षण व्यवस्था, जो नेक्स्ट है इसमें शासन के बाद में शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था के बाद में आता है हमारा यहाँ पर स्वरूप कि आखिरकार शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमारा टॉपिक था उद्देश्य के आधार पर। इसमें आपने देखा है कि उद्देश्य के आधार पर यानी कि शिक्षण जो हमारा, जो अभी मैंने आपको विशेषता में भी बताई, उद्देश्य यानी हमारा लक्ष्य, जब हम कोई कार्य करते हैं हमारे उद्देश्य पर आधारित है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षण में उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अर्थात सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद में क्रिया करे हुए काम पर हमारे भाव जागृत होते हैं, अर्थात वो हमारे निष्कर्ष, हमारे मूल्यांकन के रूप में है। यहाँ भाव हमारे मूल्यांकन से है। यही चीज आपने ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य है उसमें भी ब्लूम ने यही चीज बताई है। ब्लूम के जो 3 शैक्षिक उद्देश्य हैं वो हमारे इसी शिक्षण विभाजन, इसी शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर है। ब्लूम ने भी इन 3 को ही किया है कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो ज्ञानात्मक में हम जो प्रत्यय स्मरण करते अर्थात हम उस चीज की पहचान करते हैं, जानते हैं, उसे याद करते हैं और उसको याद करने के बाद में हम उस पर क्रिया करते हैं, अर्थात हम उस पर काम करना शुरू करते हैं और काम करने के बाद में जब हमारा उस पर मूल्यांकन होता है यानी कि उसका निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष के आधार पर ही हमारे उन उद्देश्यों में भाव जागृत होते हैं। तो इसमें 3 बताए हैं उद्देश्यों के आधार पर, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा स्तर आधार। अब स्तर आधार में हमने देखा है यानी कि हमारे खुद की मानसिक स्तर कि हम शिक्षण के स्तर, जिसे हम यहाँ कहते हैं शिक्षण
किसके आधार पर होता है? बुद्धि के आधार पर। और बुद्धि को हमने यहाँ तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, स्मृति, चिंतन और बोध। स्मृति हम जो हमारे मस्तिष्क में हम सोचते हैं, कहते हैं कुछ तो हम कुछ कहते हैं कि एकदम क्लियर सामने देखे थे। कहते स्मृति में भी हम कहते हैं अर्ध चेतन अवस्था, चेतन अवस्था, ये हमारे स्मृति पटल के एक सहायक होते हैं कि हम किस तरह से याददाश्त रखते हैं। कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क पर आजीवन हमारी स्मृति पर रहते हैं। और चिंतन यानी कि जो हम दिमाग में सोचते हैं, जो स्मृति करते हैं, उसके बारे में हम गहराई से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। वह मस्तिष्क के साथ साथ हम अपने आत्मा से कहते हैं आंतरिक तौर पर भी हम उसके बारे में सोचते हैं। सोचते हैं बोध का मतलब समझते हैं। स्मृति हम जहाँ उस चीज को सही करते हैं कि हम जहाँ पर हमारा टॉपिक फीड है कि हमको ये चीज के बारे में सोचना है, सोचने के बाद में हम उस चीज के बारे में बोध करते हैं अर्थात समझते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में समझा है, फिर हमने उसका चिंतन किया है अर्थात उसको गहराई से सोचते हैं कि हमें किस तरीके से इस पर कार्य करना है। तो शिक्षण स्तर के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया है, स्मृति, चिंतन और बोध। आगे है हमारा क्रियाओं के आधार पर, जो कि हम क्रिया करते हैं। हमने देखा है कि शिक्षण में शिक्षक क्या क्रिया करता है, हम क्रिया करते हैं, वो क्रिया कौन कौन सी होती है? पहली प्रस्तुतिकरण, जब शिक्षक कक्षा में जाता है वो हमारी पूर्व प्रस्तुतिकरण दो तरीके से करता है। वो सबसे पहले शिक्षक की पूर्व जो नॉलेज होती है उसके आधार पर, यानी कि पूर्व ज्ञान का, आगे वो पूर्व ज्ञान को अग्रसित करता है, आगे वो पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान को जोड़ता है, अर्थात उसमें पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान को जोड़ने की कला हमें बताता है या कला हम सीखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले जब शिक्षक क्लास में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं, या हम कहें कि हम सिंपल तौर पर हम कहें कि जो प्रीवियस नॉलेज हम पहले लेते हैं, उसके बाद में शिक्षक हमें फोर्थ क्लास के बच्चों से पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम थर्ड क्लास के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद में हम अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये नहीं होता है कि शिक्षक हमारी कक्षा में गए और तुरंत अपना टॉपिक लिया और प्रस्तुतिकरण देना शुरू कर दिया। प्रस्तुतिकरण से ये मतलब नहीं होता, प्रस्तुतिकरण से मतलब है कि शिक्षक किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देने को तैयार है। अगर जो हमारा शिक्षक पूर्व नियोजित अपना पूर्व नियोजन में हमारी क्रियाएं संचालित की हुई होती है तो हमारे कार्य करने में प्रॉब्लम नहीं होती, अर्थात हम ये कहते हैं कि जब भी हमें कोई कार्य करना चाहिए तो हमें पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए कि हमें ये कार्य किस तरीके से करना है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण के बाद में प्रदर्शक, यानी कि हम उस प्रस्तुतिकरण को किस तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित करते हैं अर्थात दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, ये हमारा प्रदर्शक मतलब है। प्रदर्शक का मतलब होता है दिखाना। तो प्रस्तुतिकरण को आपको किस तरीके से प्रदर्शन करना है, यहाँ हम अपने माध्यमों का प्रयोग करते हैं, हमारी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, हम लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने विभिन्न माध्यमों के द्वारा उस प्रस्तुतिकरण का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करने के बाद में हम कार्य करते हैं अर्थात जो हम बच्चों को भी कार्य देते हैं और हम भी कार्य करते हैं, अर्थात हमने बच्चों को समझा दिया, उनको दिखा दिया, दिखाने के बाद में हम उनसे जो पूछते हैं वो हमारा कार्य है, हम जो उनको होमवर्क देते हैं वो हमारा कार्य है, बच्चे जो होमवर्क करते हैं वो उनका कार्य है। तो कहा जाता है कि तीन पार्ट हो गए हमारे इस क्रियाओं के आधार पर, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शक और कार्य करना। अब आता है हमारा शासन। कहा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि शासन हमेशा कहते हैं ना, या तो एक तांत्रिक जिसे हम तानाशाही भी कह सकते हैं, एक तांत्रिक, प्रजातांत्रिक जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिस पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि वो मुक्त हो जाता है, हस्तक्षेप रहित जिसमें किसी भी चीज का नहीं रहता है, किसी का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी की टोका टोकी नहीं होती है। तो इसमें आपने देखा, अब आप ये कहेंगे शिक्षण में हमारे इस चीज का कैसे समावेश है, तो आपने देखा है कि पहले हमने जो हमारी पुरानी एजुकेशन थी, जो हमारी हमने पहले जो हमारी शिक्षा थी उसमें, उस शिक्षण में क्या था, यानी कि शिक्षक ही सर्वोपरि मानते थे, जहाँ शिक्षक सर्वोपरि था, शिक्षक को सर्वोपरि माना, तो यहाँ पर एक तांत्रिक हुई
वही चीज हमने मानी। शिक्षक को ही सारे आदेशों का यानी कि आदेश देने का अधिकार था, बच्चों को तो सिर्फ उसमें, छात्रों को तो सिर्फ शिक्षक की उसमें हाँ करना होता था। तो ये हमारा एक तांत्रिक हुआ जिसमें शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। अब यहाँ आता है हमारा सेकेंड प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक, जिसमें हम कहें आज के टाइम पे शिक्षक और शिक्षार्थी और साथ में हम अपने इसमें पाठ्य वस्तु को भी इंक्लूड करते हैं। ये तीनों चीज शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु, ये हमारे तीनों जुड़ गए इसमें। तो ये हमारा क्या बना? प्रजातांत्रिक। जिस तरह से आज जो हम मतदान देके हमारे राजा का चयन करते हैं तो वो हमारी लोकतांत्रिक है, उसी तरीके से आज की जो शिक्षा है उसमें शिक्षार्थी को, अगर शिक्षक, शिक्षक को भी शिक्षार्थी की बात माननी पड़ती है। अगर जहां उसे समझ में ना आए तो वो अपने भाव, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, और साथ में शिक्षक भी अपने विषय वस्तु जो हम कहते हैं हम हमारे सिलेबस के आधार पर बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी शिक्षक का और शिक्षार्थी का समान अधिकार है। तो ये हमारा हो गया प्रजातांत्रिक। तीसरा है हमारा हस्तक्षेप रही यानी कि आज की जो शिक्षा, कई बार बच्चे ये चाहते हैं कि हमें कोई भी ना टोके, हम जो करें वो हम स्वयं करें, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। बच्चे स्वयं करते हैं, हम कोई प्रैक्टिकल वर्क दे दें, हमने सिखा दिया, उसके बाद में हम जो बच्चों को प्रैक्टिकल कार्य देते हैं कि बच्चों को इसमें करना, उसमें टीचर का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जिस कार्य में बच्चों का कोई भी, टीचर का भी हस्तक्षेप नहीं होता, बच्चे स्वयं उस कार्य को करते हैं। तो इसमें तीन पार्ट था, एक तांत्रिक, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित यानी कि मुक्त शिक्षा। फिर आता है हमारा इसमें शिक्षण व्यवस्था। जब हमारा शासन होता है तो शासन की व्यवस्था करना भी जरूरी होती है कि हमें उस शासन को किस तरह से चलाना है। हम हमारे देश में भी देखते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश का शासन का संचालन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं इसके लिए वो अपनी व्यवस्था बनाते हैं। तो वो तो देश की राजनीति की बात है, लेकिन यह हमारी शिक्षण व्यवस्था है। तो इसीलिए शिक्षण व्यवस्था को दो भागों में बांटा है, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तीसरा तो अनौपचारिक भी है, लेकिन दो का महत्वपूर्ण है इसमें कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा आ गई जो हम किसी संस्थागत कहते हैं कि हम प्रवेश लेकर उस संस्था से और किसी विद्यालय से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी औपचारिक यानी संस्थागत ज्ञान, जिसे हम कहते हैं संस्थागत ज्ञान, यहाँ हम उस संस्था से प्राप्त करते हैं। और अनौपचारिक ज्ञान में जो कि हम हमारे समाज से, हमारे परिवार से या विद्यालय के बाहर से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे अनौपचारिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर आता है हमारा इसका स्वरूप यानी शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्णात्मक और उच्चारात्मक। वर्णात्मक यानी कि जिसका जैसा है जो का त्यों बताना, कि जिसका वर्णन हम कर सकते हैं अपने शब्दों में, हम उसका वर्णन कर सकते हैं किसी संरचना का, उसका वर्णन कहते हैं। हम जब किसी चीज का वर्णन करने बैठते हैं तो हम उसको जो का त्यों बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और उपचारात्मक यानी कि जिसमें हमें जरूरत पड़ती है, किसी निदान की आवश्यकता, उसके लिए हम उपचार करते हैं। बच्चों के शिक्षण में हमें क्या दिक्कत आती है, शिक्षण हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे उपचारात्मक उनसे पूछते हैं। उपचारात्मक जो हमारे कार्य होते हैं कि हमें इस कार्य को किस, हमारी समस्या को किस तरीके से दूर करना है, वो उपचार हमें इसमें बताया जाता है। तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण के प्रकार के बारे में विस्तार से बताया है। पहले मैंने सारी आपको विशेषताएं बताई, फिर मैंने इसके प्रकार बताए। इन्हीं सभी प्रकार और विशेषताओं को आप अपनी नोटबुक में लिखें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।